सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, जिस तरह आप कार्य करके भेज रहे हैं और हमारे दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वह अति सराहनीय है। शाबाश बच्चों, आपको इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी कक्षा। हिंदी कक्षा की है दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने हिंदी काव्य पाठ किया था। हिंदी काव्य पाठ में बच्चों हमने एक कविता पढ़ी थी, हम भी होते काश कबूतर। इसी कविता को आज हम फिर पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आए श्रुतलेख, शब्दार्थ, गतिविधि आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार पहले इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है? हम भी होते काश कबूतर, मजे उड़ाते दिन भर उड़कर। बच्चे हमें चुगाते दाने, गाते मीठे मीठे गाने। खूब कुटरगु करते दिन भर, हम भी होते काश कबूतर। हाथ किसी के कभी न आते, यों फुर से फौरन उड़ जाते। ना होता पापा जी का डर, हम भी होते काश कबूतर। साथ हवा के बातें करते, मस्ती हम दिन रातें करते। ना होता स्कूल का चक्कर, हम भी होते काश कबूतर। बिन पैसे हम खूब घूमते, यों उड़ते आकाश चूमते। पेड़ों पर होते अपने घर, हम भी होते काश कबूतर। बच्चों अब श्रुतलेख शब्द कर लेते हैं। चुगाना, मस्ती, चक्कर, फौरन, आकाश, कबूतर। तो बच्चों ये 6 श्रुतलेख शब्द हमने इस कविता में पढ़े। अब हम शब्द अर्थ कर लेते हैं। पहला शब्द है फौरन, जिसका अर्थ है जल्दी से। दूसरा शब्द है आकाश, जिसका अर्थ है आसमान। तीसरा शब्द है गुटरगु, जिसका अर्थ है कबूतर के बोलने की आवाज़। बच्चों, आपने कविता में पढ़ा कि एक बच्चा जिसकी कल्पना है, जिसका एक मन कर रहा है कि मैं कबूतर बन जाऊं। कबूतर बनकर वो बहुत सारे काम करना चाहता है। क्या क्या काम करना चाहता है? जैसे वो आकाश में उड़ना चाहता है, दिन भर मजे उड़ाना चाहता है, दाना चुगना चाहता है, गुटरगु जैसी आवाज़ निकालना चाहता है, फुर से उड़ जाना चाहता है, पापा जी की डांट से बचना चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, बिन पैसे के खूब घूमना चाहता है, उड़कर आकाश चूमना चाहता है, पेड़ों पर घर बनाना चाहता है। देखो बच्चों, यह तो हुई इस बच्चे की कल्पना। अब मुझे यह जानना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हो सकता है आप डॉक्टर्स की तरह लोगों की सेवा करना चाहते हो सकता है आप सैनिक बनकर इस देश की रक्षा करना चाहते हो सकता है आप में से कुछ लोग शेर बनना चाहते हो, ठीक है? तो आप मुझे ये सब बच्चे बताएंगे और उसके लिए आप 5 लाइंस लिखेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसके ऊपर आप क्या को कितने लाइंस लिखेंगे? 5, ठीक है? और ये लिखकर आप सब बच्चे भेजेंगे। और जो बच्चों आज मैंने आपको नए शब्द कराए हैं, वो आप याद भी करेंगे और उनको 2 बार, कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। और कितने वर्ड्स हैं? वो 6 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कराए। 6 नए शब्द कराए हैं जिन्हें आप 2 बार लिखेंगे, ठीक है? और याद भी करेंगे। जब स्कूल खुलेंगे तब हम उनकी डिक्टेशन लेंगे, ठीक है? लेकिन ये काम आप मुझे करके भेजेंगे, ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास, कक्षा यहीं पर ही समाप्त करते हैं और फिर आपसे जल्दी से मिलते हैं।